हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? एक्सक्रीशन क्या होता है और किडनी नेफ्रॉन्स की हेल्प से ब्लड से नाइट्रोजन, अमोनिया या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, यूरिया जैसे प्रोडक्ट को किस तरह से सेपरेट करता है? तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी जब ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट कर देती है तो जो यूरिन होता है वो पेयर ऑफ यूरेटर ट्रांसपोर्ट कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूरेथ्रा से वो एक्सक्रीट नहीं हो जाता। तो एक्सक्रीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के पार्ट है ट्यूबल्स, ये जो ट्यूबल्स है इस तरह से, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है एंड वोमन कैप्सूल। इस ट्यूबल का एक एंड, अपर एंड एक कप की शेप में होता है जिसको हम वोमन कैप्सूल कहते हैं, और लोअर एंड के साथ ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट लगी होती है और यूरिन ट्रांसपोर्ट हो जाता है देन यूरिनरी ब्लैडर में। तो कप शेप ट्यूबल्स का जो अपर पार्ट है उसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं, बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस सिंगुलर और प्लूरल ग्लोमेरुलाई। तो ब्लड जो डर्टी ब्लड है, मींस की ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें अमोनिया या फिर यूरिया कंटेंट होता है, यूरिया सेपरेट हो जाता है लिवर में जब प्रोटीन्स के जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स रह जाते हैं, मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, वो यूरिया जनरेट करते हैं एंड दे आर प्योरिफाइड इन द किडनी बाय द नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स टिश्यूज। देन डर्टी ब्लड मीन्स की ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजन वेस्ट एंटर इन टू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या फिर वेरियस टाइप ऑफ यूजफुल सॉल्ट स्टिल प्रेजेंट देयर। और वो जब वो ट्यूबल से रन करता है, यहां से नाइट्रोजन वेस्ट सेपरेट होने के बाद जो बाकी का फिल्ट्रेट जब इस ट्यूबल से रन करता है तो यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते हुए ये जो ट्यूबल्स है उसको फिर रीअब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी के यूजफुल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड देन दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दिस इज हाउ द यूरिन इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड